हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्थ पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डे 6 की। हमने आपको डे 5 तक पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारी डे 5 की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप होमवर्क जरूर कीजिएगा, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। और आपको होमवर्क का वर्क हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। उस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है, स्टेनो फॉर बिगनर्स के नाम से ऐसी ही लिंक है। आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और आप होमवर्क जरूर कीजिए, क्योंकि डेली आपको बताया जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था उसका सोल्यूशन किसी का। आपके कोई कोई डाउट्स हैं तो आप पूछिए जरूर। डे 6 में हम पहले ले लेते हैं दो तीन चार ये शब्द चिन्ह और हैं, इनको आप लिख लीजिए दोबारा से। जो आज होगा उसे हम लिखेंगे आज। देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सर्कल देंगे ऊपर से आज। जो लिखना है, जब भी ओ का साउंड आता है ध्यान रखिएगा, जो नीचे से हल्का सा ये दे दीजिए, जो जब ऑन द लाइन बनाइए, और जी जो होगा लाइन काटिए, जी जी जो का जो मैंने बताया है, ये है। जैसे आप कुछ भी शब्द लिखेंगे, आप इस तो अभी से याद कर लीजिए, आगे जैसे जैसे डिक्टेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। जो आप लिखिए, जो ओ का साउंड यहाँ पर लगा दीजिए। ये चार सब चीजें थी। आज हम बात करेंगे द्विस्वरों की। दोस्तों, द्विस्वर होता क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, द्विस्वर होता है जब हमने बहुत सारे शब्द हम देखते हैं, बहुधा स्वरों में दो स्वर लगातार आ जाते हैं, जिसका पृथक पृथक लिखना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे अगर कोई शब्द आता है उसमें दो स्वर लगातार आ जाएं, जैसे मैं बोलता हूं धावन, धावन। इसमें आप देखेंगे आ प्लस वो, आओ का इसमें आ रहा है आओ, इसमें दो स्वर लगातार हो गए हैं। तो आप इसे क्या और कैसे लिखेंगे, इसी चीज को हम आगे बढ़ेंगे। यही बात है, इसे हमें लिखने में परेशानी होती है, इसीलिए द्विस्वरों को एक साथ बनाने के लिए इनके अपने एक चिन्ह बनाए गए हैं, और उन चिन्हों को ही हम द्विस्वर चिन्ह कहेंगे। आइए बात करते हैं पहले शब्द की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला शब्द है आ प्लस व, आओ, जिसे हम आओ कहते हैं। जो इसका चिन्ह होगा वह होगा कोई भी मात्रा है, कोई भी चिन्ह है, अगर उसके ऊपर आप स्टार्टिंग में, ये उल्टा ट्रायंगल है, स्टार्टिंग में प्रथम स्थान में ही अगर इस प्रकार का साइन बना दे तो ये आओ की ध्वनि को डिनोट करेगा। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं धावन, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, धावन धावन, समझ सकते हैं। इस साइन का मतलब ही आओ हो जाएगा। तो आपने धा लिखा, आपको पता है इस साइन का मतलब वो भी डिनोट कर रहा है, तो धावन आप ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही है आ प्लस ए या ए, जैसे हम कह सकते हैं चाहे, चाहिए, 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 चाहिए है, चाहिए है। दोस्तों, आपके पास चाह का जो शब्द चिन्ह है वह ऐसा है, तो इसमें अगर चाहिए है तो चाह और ए का सर्कल लगा दीजिए, मध्य स्पेस में आपका जो सेकंड प्लेस है वहां पर लगा दीजिए, तो ये चाहिए पड़ा जाएगा। कहने का अर्थ है, अगर प्रथम स्थान पे यह डिनोशन ये आओ का कहीं पर डिनोट होगा तो आप इस चिन्ह से दर्शाएंगे। अगर द्वितीय स्थान पे अगर आपको आइए दिखाना है तो आप मध्य स्थान पे इसे दिखाएंगे, और तृतीय स्थान में अगर आप दिखाते हैं इस चिन्ह को किसी भी शब्द के साथ, तो ये आ प्लस ई को डिनोट करेगा, आ प्लस ई। मेरी बात को समझ रहे होंगे? जैसे भाई, आपने बोला भाई, तो आपने बना ये भाई भा, और ये बना दिया आपने इसमें सर्कल, ये सॉरी ये चिन्ह ई, भाई। ये आपको आ प्लस ई दोनों का डिनोशन एक साथ दे देगा, भाई। ठीक है, जहां पर भी स्वर आपका अगर आ जाए, अगर यहां पर होता क्या भा, तब तो आप इसे हवा में बनाते क्योंकि सिंगल स्वर है। मगर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों दो स्वर आए हैं, जैसे आ और ई, जैसे आ और ए, चाहिए, जैसे आ और वो, आओ आ आओ आओ धाओ। इसमें दो स्वर आए हैं आ प्लस वो, आ प्लस ए और ए, आ प्लस ई
आ प्लस बड़ी ओ प्लस बड़ी ई ऊ प्लस ई इस प्रकार के स्वर आते हैं। अब जैसे जिसका स्थान है आप लगा सकते हैं। जैसे आपके पास शब्द आया भुई, भुई शब्द को भी अगर आप लिखना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों हम भुई को, ये है भुई, ये आपको पता है भू ऊ छोटी ई की मात्रा है तो आप इसे लाइन काट के लिख सकते हैं क्योंकि ये तृतीय स्थान का स्वर है और यहां पर अगर लगा देंगे तो ये भुई को डिनोट करेगा। अब आपको दो मात्राएं लगाने की जरूरत नहीं है, इस मात्रा से आप ये समझ सकते हैं कि इस वर्ड में स्वर का उपयोग हो रहा होगा, मात्रा का उपयोग हो रहा होगा। और इसी को अगर हमें खाली भू लिखते तो हम इसको यूं लिखते भू भू, समझ रहे हैं, भू आप सर्कल बना सकते हैं, भू लिख दिया। इसी प्रकार से यहां पर हमने ई को दो शब्द एक साथ, दो स्वर एक साथ डिनोट कर दिए इस मात्रा की फायदा से। तो यह द्विस्वर का प्रयोग ऐसा होता है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब वर्ड आता है आ प्लस ओ का, जैसे जा ओ, इसमें मध्य स्थान में है जा ओ, जा ओ। अभी तक ए में हमने बोला था इसको डाउनवर्ड करना है, दो स्थितियां हैं आप इसे यहां पर समझिएगा, दो स्थितियां हैं, एक है आपका ऐसे, एक है आपका ऐसे। इसको बड़ा बनाता हूं ताकि दिख जाए ये और ये बीच में। तो अगर आप इसका डिनोशन ऊपर की साइड करेंगे जा ओ तो आपका ये जा ओ, आ प्लस ओ को डिनोट करेगा जा ओ, आ प्लस ओ को जा ओ। और अगर आप डाउनवर्ड्स करते हैं तो आपका पहले प्रथम स्थान पे आ प्लस व, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक लाइन और एक शब्द और बताता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रथम स्थान से बता दूंगा। इसके बाद है अंत स्थान में अगर आता है तो अ प्लस बड़ी यू और छोटा ऊ, अ प्लस बड़ी यू और छोटी यू या ओम, तो जो आपका शब्द चिन्ह में स्थान होगा वह होगा उसका अंत में अंत में, ये ध्यान रखिएगा अंत में होगा। अब जैसे हमारी बारी आती है हम बात करते हैं, तो सीधा बनाते हैं थोड़ा, अंत में हम बात करेंगे, ये हमारा अंत में आया। इसके बाद हम देखेंगे इसका उदाहरण, इसका उदाहरण है जैसे पाऊं, पाऊं आता है पाऊं तो आप क्या करेंगे पा और ऊं, पाऊ होगा तो आप इसमें तृतीय स्थान का स्वर लगाएंगे, पाऊ होगा तो आप ऐसा लगाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दोबारा से बता देता हूं क्या मैंने अभी बोला। द्विस्वर का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें दो स्वर आते हैं उसका हम प्रयोग आसानी से करते हैं। यह एक लाइन है, इसमें प्रथम स्थान में अगर आप स्वर को डिनोट करेंगे, प्रथम स्थान का मतलब होता है फर्स्ट प्लेस में अगर आप स्वर को डिनोट करते हैं तो आप उस स्वर को प्रथम स्थान यहां करें यहां करें, शब्द की कंडीशन पे निर्भर है। तो ये प्रथम स्थान में तो आप आ प्लस व को डिनोट कर रहे हैं। मध्य स्थान में अगर मैं बात करता हूं, आप इस बात को समझिएगा, मध्य स्थान में अगर मैं आपकी बात करता हूं तो यह आ प्लस ए का डिनोट करेगा, आ प्लस ए और ये। और तृतीय स्थान में अगर यही चीज आए तो आ प्लस ई का डिनोशन करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर ये चीज ऊपर की डायरेक्शन में होगी इस वाले की तो आप इसमें पढ़ेंगे आ प्लस यो, आ प्लस यो। और अगर आपका ये चीज मध्य स्थान में होगी तो आ प्लस ओ, और अगर ये चीज तृतीय स्थान में होगी तो अ या आ प्लस उ और ओम का। इस बात को आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रथम स्थान में अगर ये शेप होगी, इस शेप से आप प्रथम स्थान में दिखाएंगे, शब्द है आ प्लस व, इनका उदाहरण भी आपको इनके साथ साथ लिख के मैं दे देता हूं, एक आप इसे ग्राफ बना लीजिए आपको समझने में आसानी होगी। पहला उदाहरण
इसका है धावन, धा आ प्लस व धावन। दूसरा स्थान होगा आपका चाहिए, उदाहरण है ये चाहिए दूसरे का। तीसरे के लिए आप लिख सकते हैं भाई, आ प्लस ई, आ प्लस ए भाई। अब आपका जो दूसरा विपरीत दिशा में है उसका उदाहरण हो सकता है बताओ, ब ता ओ, आ प्लस ओ। तीसरा यो है, यो भी बतायो लिख लीजिए, बतायो, यहां पर बताओ लिख लीजिए, आ प्लस ओ। यहां पर है पाओ, पा ओ। आशा करता हूं समझ में आया होगा। दूसरे में आ प्लस ए चाय, ये भी लिख सकते हैं आप। आशा करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है आप हमसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको मीडियम बताया है, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में पूछ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आज के आगे आपको मैं बड़ा बताता हूँ कि कैसे इन सब का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा और कुछ और नए रूल्स आपको मैं इसके साथ जोड़ता हूँ। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ नई और चीजों की जिसमें हम बात करते हैं अगर आ प्लस व चिन्ह। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आ प्लस जो य चिन्ह है उसमें है आ प्लस व चिन्ह अधोगामी रेखा अक्षरों के प्रारंभिक सिरों पर जोड़ दिया जाता है। अधोगामी रेखा चित्रों के प्रारंभ में जोड़ दिया जाता है आ प्लस व। इसका साइन हमने ये बताया था प्रथम स्थान में, तो अधोगामी शब्द है तो इसके प्रारंभ में हम इन्हें जोड़ सकते हैं, देख रहे होंगे हम इसे जोड़ सकते हैं। इसलिए या तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, जैसे हो गया दाव, अगर शब्द आ गया तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप वो की डिनोशन नहीं दे पाए, देने से अच्छा है आप इस स्वर को लगाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, दाव दाव, समझ रहे हैं ना, दाव इसका यूज और इसका यूज। अगर आप इसको यूज नहीं करते तो आपको दाव कैसे लिखेंगे, दाव। और अगर आप इसको ही यही डिनोट कर देते हैं तो आप समझ जाएंगे ये दा है और इसमें आव का ये वाउल मैंने लगा देती हूँ, ये क्या है, दाव। आशा करता हूं समझ में आया होगा। पहला मेरा जो रूल है वो है आ प्लस व अधोगामी में होगा तो आप इसमें स्टार्टिंग में ही इसे जोड़ सकते हैं। दूसरा है आ प्लस ई, आ प्लस ओ प्लस ई और ऊ प्लस ई चिन्ह अगर अग्रगामी शब्दों के साथ आते हैं तो आप उनके साथ से जोड़ सकते हैं। जैसे ये है आपका का ई, देखिए का ई, जैसे गाई, गा ई, गा ई, इसके साथ हमने ई का जोड़ दिया, जो तृतीय स्थान का स्वर था वो इनके साथ जुड़ सकता है। इसी प्रकार से आ प्लस व अगर अधोगामी में होता है तो उसके साथ जुड़ सकता है दाव, गाई इसके साथ काई, अग्रगामी शब्द हो तो उनके साथ जुड़ सकता है। जैसे आप लिखेंगे नाई, नाई, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जैसे है रोई, 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 ठीक है। इसी प्रकार से आपको तीसरा पॉइंट है, एक आप सर्कल, जैसे आपने ये बनाया, इसको बड़ा बना रहा हूं, जूम कर रहा हूं, यहां देखिए ये चीज जो आधा है इसका छोटा सा रूप आप अगर बनाएंगे, अब आगे से आप ध्यान यह देंगे कि जो ये आप छोटा सा इसका रूप बनाएंगे, यहां पर लिख देता हूं, जो इसका आप छोटा सा रूप बनाएंगे, ये वाला डिनोशन, ये डिनोट करेगा आपका व को, ये डिनोट करेगा आपका य को, याद रखिएगा अब आप मॉडिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे। ये वाला डिनोट करेगा व को, अभी तक हम व को बना रहे थे यू, य को बना रहे थे यू, अब कहीं कहीं पर हम व को बनाएंगे ये और य को बनाएंगे ये, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की कहां पर इसका यूज हो सकता है। अब देखिए जैसे शब्द आया वाक,
आप वाक को पहले ऐसे बना रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, वाक को हम व और क, हमने व बनाया और क, वाक, समझ रहे हैं। आता है वाम, वाम में पहले हम बना रहे थे वाम, अब हम बनाएंगे वाम, समझ रहे हैं। आता है वार, पहले हम बना रहे थे वार, अब हम बनाएंगे वार। देखिए व का डिनोशन जो होगा वो ऐसे बनेगा। अब आती है य की बारी, तो हम जो य को बनाएंगे, य को बनाएंगे हम याद, पहले हम बनाते थे याद, अब हम बनाएंगे या और द। य हमने बताया ऐसे लिखेंगे, तो आप य ऐसे लिखेंगे। अब आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप ये बना रहे हैं, अपनी लेखनी इतनी स्पष्ट करनी है, आप ये चिन्ह बना रहे हैं या ये बना रहे हैं। देखिए जूम करता हूं, ये बनाया ऐसे, ये बनाया ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर इनमें आपने इफन बट कर दिया तो ये चीज आपकी ये बन सकती है और ये चीज आपकी ये हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, आप जो बनाने जा रहे हैं वही बने, कुछ अन्य चिन्ह ना बने। तो याद की मैं बात करता हूं तो या द, याद। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा तो य और ज्ञ आप जोड़ सकते हैं, यज्ञ। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में यज्ञ ज्ञ का जो हमने आपको बताया था वो हमने यही शब्द चिन्ह बता दिया था, यज्ञ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब जैसे बारी आती है एक शब्द की, अन्य की, ये नौ, और इसके साथ जोड़ दीजिए य। अब आपको पता है लाइन में हमने बनाया नौ, लाइन में हमने बनाया नौ, तो वो और नौ अपने आप में ही होगा, अ न य, अन्य। अब बारी करते हैं उद्योग शब्द की, उद्योग। अब योग, योग है ना, योग आ रहा है पढ़ने में, योग, उ द धन यो धन ग, ऐसा पढ़ने में हमें आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ये बनाया हमने ध, ये बनाया हमने य, ये बनाया ग, समझ रहे होंगे, ये हमने बनाया उ का सर्कल, ये बना दिया हमने इसे ध। अब इसे हम पढ़ लेंगे उद्योग। दोबारा समझाता हूं, पहले उ है एक स्वर, फिर है द, फिर है यो, फिर है ग, तो उ ध यो बनाई यो ग, उद्योग, उद्योग, समझ में आया होगा। अब आता है आपका, इसको आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपको परेशानियां स्टार्टिंग में होंगी मगर प्रयास कीजिए, परेशानी आ रही है हमसे पूछिए, हम आपके लिए हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, पर्सनल कॉल मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात को कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसे मैं दोबारा से आपको बता दूं। हमने आज पढ़ा द्विस्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला है ये डिनोशन, एक है ये डिनोशन। हमने बात करी इन दोनों चिन्हों की, कौन सा चिन्ह कहाँ पर यूज होगा। तो हम पहला चिन्ह की बात करते हैं, पहला चिन्ह है ये यूज करता है आ प्लस व को, ये डिनोट करता है आ प्लस ए को, ये डिनोट करता है आ प्लस ई को। ऐसे ही एक चिन्ह हमने पढ़ा ये, जिसमें इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, और ये जो होता है यह होता है आ प्लस यो, मध्य स्थान में अगर हम आते हैं तो ये हो जाता है आ प्लस ओ, और तृतीय स्थान में अगर हम आते हैं तो ये हो जाता है आ प्लस या ओ प्लस ऊ और ई। इसके बाद हमने बात करी कि अगर आ व व हो, अगर आ और व हो और यह आ और वो किसी अग्रगामी शब्द के साथ जुड़े, अग्रगामी शब्द के साथ, सॉरी अधोगामी शब्द के साथ जुड़ता है आ प्लस व, तो वह उसके साथ जुड़ जाता है, जैसे दाव, दा व इसके साथ जुड़ गया। अगर कोई शब्द है आ प्लस ई, आ प्लस ओ प्लस ई, इस साइड के शब्द हैं, तो वह अगर अग्रगामी के साथ जुड़ते हैं, अग्रगामी के साथ जुड़ते हैं, जैसे काई,
माई, तो उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। तृतीय चीज हमने पढ़ी कि व और य को हमने वृक में बांट दिया है, जो ये है आपका ये व को डिनोट करेगा और जो य है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। इसके उदाहरण हो गए आपके जैसे वाक, याद, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक यू।